औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड जुमा मुबारक टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ आवर 22nd लेक्चर फॉर इंग्लिश। सो कैन यू प्लीज़ ओपन पेज नंबर 171 एंड वी विल डिस्कस अबाउट सम कॉमन एरर्स। यू नो अबाउट एरर, एरर इज़ द मिस्टेक। कोई भी मिस्टेक ऐसी डैट यू मेक इन योर लैंग्वेज, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जो एरर्स आप लैंग्वेज यूजेस के अंदर करते हो वो किस तरह के एरर्स होते हैं और सही उनका जो करेक्ट सेंटेंस है वो क्या बनता है, और हम किस तरह से या राइटर्स या बड़े बड़े स्कॉलर्स इवन टीचर्स कोई भी वो मतलब कि गलती कर बैठते हैं, एरर्स कर बैठते हैं उसके अंदर। तो सम कॉमन एरर्स पे अगर आप पाते हैं पेज नंबर 171 ओपन करते हैं तो हम वी विल डू ओनली 20 टुडे। ओके, सो फर्स्ट वन इज ए पार्ट, योर्स ट्रूली, एपोस्ट्रॉफी एस या योर्स के बाद एपोस्ट्रॉफी, दोनों ही गलत है। इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन योर एप्लीकेशन और लेटर राइटिंग, योर्स आप यूज़ करते हो। योर्स ट्रूली इस तरह लिखा जाता है, नीचे उसने लिखा है, अपोस्ट्रॉफी किसी में भी नहीं है। फिर सेकंड पे अगर आए, शी डू नॉट मेक अ नॉइस, दिस इज़ प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस। वी विल डिस्कस टेंसेज, we have discussed it in your previous classes, but we will discuss it in the coming sessions inshallah. When you use a singular, he, she, it, or single person, Amina, Shiraz, let's suppose any name, you will use does. ye present indefinite ka ek rule hai ki whenever there is a singular subject you will use does. It is a helping verb. Do or does is a helping verb of present indefinite tense. We will discuss in detail. Pehle bhi I think so. I have discussed it with you in the previous class. Ya jis bhi teacher se aapne padha hoga usne bataya zarur hoga. Aur iske saath hi main ek aur mistake batana chahunga. Jab bhi hum formula likhte hain present indefinite ka, to teachers mostly teachers write that subject plus verb plus s or es, this is not right, plus object, s or es har present definite mein nahi aata. Theek hai, dekhen, I write a letter, she writes a letter, s aaya hai, lekin I write mein s nahi aaya, phir bhi ye present indefinite hi hai. Ye hum detail ke andar discuss karenge. I will टेल यू विद प्रोनाउंस कि आप किस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनेट को यूज़ करते हैं और कहाँ पे एस आता है और कहाँ पे ई एस आता है, वी विल डिस्कस, और कहाँ पे कुछ भी नहीं आता हम इंशाल्लाह प्रेजेंट इंडेफिनेट जब टेंसेस करेंगे हम डिस्कस करेंगे। अगर हम सेकंड देखें तो शी डू नॉट मेक अ नॉइस, ये भी गलत है। शी डज नॉट मेक अ नॉइस, ये करेक्ट है। अब अगर हम देखें थर्ड वन, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी चार्मिंग, सीनरीज प्लूरल यूज़ कर दिए, सीनरी इधर सीनरी यूज़ होगा, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग। फोर्थ वन, ही ऑलवेज वियर ब्लैक पैंट, ही ऑलवेज वियर्स ब्लैक पैंट। और अगर आप सेकंड वाला देखें, ही ऑलवेज wears black pants or a pair of black pants, pant नहीं आएगा, black pant नहीं आएगा, pants or a pair of black pants आप use कर सकते हैं। फिर अगला अगर हम fifth वाला देख लें, she cannot find her way without glasses, without glass लिखा हुआ है, ये glasses आएगा इधर। अगर आप second वाले में देखें तो glasses है। सिक्स वाला देख लें, फिज़िक्स आर आ ही नहीं सकता क्योंकि फिज़िक्स एस आर है, लेकिन फिज़िक
लिख ही नहीं सकते आप. फिजिक्स इज द सब्जेक्ट एंड इट इज सिंगुलर. फिजिक्स आर नहीं आ सकता, प्लूरल के साथ आर यूज होता है. एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. उसके बाद अगर हम सेवन वाला देखें, दे एंटर्ड इन टू द रूम, दे एंटर्ड द रूम. हम अक्सर ये मिस्टेक कर लेते हैं, ही एंटर्ड इन टू द रूम, दे एंटर्ड इन टू द रूम, दे एंटर्ड द रूम. ठीक है, इन टू नहीं लिखने की जरूरत. दिस हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स एंड ब्रिक्स, स्टोन्स एंड ब्रिक्स. दिस हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, सिंगुलर आएंगे दोनों, स्टोन्स और ब्रिक्स नहीं आएगा. वी शुड हेल्प द पुअर्स, वी शुड हेल्प द पुअर्स. पुअर्स के साथ देखें आप, अपोस्ट्रॉफी ऐसे लगा हुआ है. वी शुड हेल्प द पुअर आएगा, सिंगुलर आएगा. ठीक है, करेक्ट सेंटेंस. ये अक्सर हम अपनी लैंग्वेज के अंदर, डेली यूजेज के अंदर वी डू दीज काइंड ऑफ मिस्टेक्स. और मतलब कि काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि काफ़ी टीचर्स भी और इंस्ट्रक्टर्स भी, क्योंकि वी आर ऑल्सो ह्यूमन, तो दिस इज़ अ ह्यूमन एरर. तो ये एरर हर किसी से हो जाता है, इवन द स्कॉलर्स कैन मेक दिस एरर. तो राइटिंग के अंदर भी, लेकिन यू शुड बी वेरी एक्यूरेट एंड प्रिसाइज व्हाइल यू आर राइटिंग. आप क्रिएटिव राइटिंग कर रहे हैं तो आप सोच समझ के लिखें, अपने सेंटेंस को जज करें कि ये गलती तो नहीं है इसमें, फिर लिखें. हुज़ इज़ दिस सीज़र, ये टेंथ वाला है. हुज़ इज़ दिस सीज़र नहीं आएगा. हुज़ आर दीज सीज़र्स, प्लूरल की तरह यूज़ होगा. हुज़ आर दीज सीज़र्स. डू यू नो टू राइटिंग, डू यू नो टू राइटिंग, डजंट मेक सेंस, रॉन्ग सेंटेंस है. डू यू नो हाउ टू राइट, ये सही है. यू शुड लिसन योर टीचर, योर टीचर नहीं आएगा, टू योर टीचर आएगा. यू शुड लिसन टू योर टीचर. वॉट इज़ द टाइम इन योर वॉच, इन योर वॉच नहीं हो सकता. वॉट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, ये सेंटेंस आप अक्सर अगर किसी को टाइम पूछते हैं तो आप ये नहीं कहेंगे वॉट इज़ द टाइम ए एलिना और समथिंग लाइक दैट, ए हे असर, what is the time in your watch. No, you will not say this. You will say what is the time by your watch, Alina. Theek hai, is tarah se, in this way you are going to convey this sentence. So I have bought this pen yesterday, I have bought this pen yesterday. ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन रहा है, लेकिन ये कॉमन मिस्टेक है जो हम करते हैं. तो आप सिंपल अपना जो पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनेट है, वो यूज़ कर लें. आई बॉट दिस पेन यस्टरडे, आई शैल राइट माई फ्रेंड, आई शैल राइट टू माई फ्रेंड, आई शैल राइट माई फ्रेंड नहीं, इसका मतलब है मैं इंशाल्लाह ज़रूर जो है ना अपने फ्रेंड को लिखूंगा. ठीक है जी, टू राइट माय फ्रेंड, मैं मेरा दोस्त लिखूंगा, इसका ये मतलब है कि माय फ्रेंड लिखूंगा मैं. बस टू माय फ्रेंड का मतलब है मैं अपने दोस्त को लिखूंगा. ठीक है, लेटर एनीथिंग, एप्लीकेशन तो लिख नहीं सकते, इनफॉर्मल लेटर ही होगा या कुछ भी लिखूंगा, मैं अपने दोस्त को लिखूंगा. शी मेट मी इन द वे, इन द वे नहीं हो सकता, ये कॉमन मिस्टेक है. आई शी मेट हर या शी मेट मी ऑन द वे, इन द वे. इट इज 17th. देर आर 5 deers एंड 2 sheeps इन दिस फार्म हाउस. अपोस्ट्रॉफी एस आ रहा है, अपोस्ट्रॉफी एस बहुत कम सिचुएशन में यूज होता है. He is Ali's father. Yajmal is Ali's father. इस तरह के sentences के अंदर apostrophe use हो जाती है, लेकिन इधर नहीं होगी. There are 5 deer, singular. 5 जब आ गया ना तो वो already show कर दिए कि ज़्यादा है.
and two sheep in this farmhouse. जब आप five या two या इस तरह लिख देते हैं तो आगे फिर singular use होता है. She asked me that why I had not answered her. She asked me that why I had not answered her. She asked me, ज़रूरत नहीं है यूज़ करने की, डैड भी आ जाएगा फिर. She asked why I had not answered her. ठीक है जी, सिंपल हो गया. 19 वाला आप देखें, हाउ बैड इज़ इट. ये अक्सर आपने मूवीज़ के अंदर भी देखा होगा, ये मिस्टेक हो जाती है स्टोरी टेलिंग के अंदर, राइटिंग के अंदर, राइटर से भी ये मिस्टेक हो जाती है लिटरली. अभी के ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है. हाउ बैड इज़ इट नहीं हो सकता, हाउ बैड इट इज़ है. हाउ बैड इट इज़ इट नहीं हो सकता. हाउ बैड इज़ इट नहीं हो सकता, हाउ बैड इट इज़. और नीचे उसने नोट भी लिखा है, सम राइटर्स मे प्रेफर टू राइट हाउ बैड इज़ इट. और कुछ राइटर ये मिस्टेक करते हैं और वो प्रेफर भी यही करते हैं कि हम यही लिखेंगे कि हाउ बैड इज़ इट. If you talk about 20th sentence, my brother returned back home yesterday. My brother returned back home yesterday. Back ज़रूरत नहीं है यूज़ करने की. My brother returned home yesterday. Simple सी चीज़. So ये आप कुछ common errors देखें और इसको पढ़ें. Try to understand it. और इस तरह की जो मिस्टेक्स आप लैंग्वेज के अंदर करते हैं, आप कुछ सेंटेंसेस देखें जिसके अंदर आप इस तरह के मिस्टेक्स कर रहे हैं जो हमने डिस्कस की हैं, सम कॉमन एरर्स. अगर आप इस तरह के एरर्स कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज के अंदर, तो ट्राई टू अवॉइड इट एंड ट्राई टू रिमेंबर दीज काइंड ऑफ एरर्स जो आप कर रहे हैं, तो इसको अवॉइड करें. That is it for today. Inshallah, in the next lecture, we will do, inshallah, tenses. Hamare tenses pending hai. Inshallah, we will try to cover it up.